देखिए, ठाणे महानगर पालिका द्वारा कार्रवाई की जा रही है गुलाब पार्क तनवर के पास। यहाँ पर जो दुकानें हैं उनके जो शेड वगैरह लगाए गए हैं उनको तोड़ा जा रहा है, जो छपरे लगाए गए हैं। देखिए, पुलिस का भारी बंदोबस्त है, भीड़ यहाँ पर काफी है, पुलिस पीछे लोगों को कर रही है। ये सब दुकानें थी जो यहाँ पर दो दिन से ठाणे महानगर पालिका के तरफ से कार्रवाई की जा रही है और जो हॉकर्स है उन्हें नहीं धंधा रोड पर नहीं लगाने दिया गया। और आज फिर जो है कल और आज दो दिन कार्रवाई हुई है। मुझे ये पूछो कि वो सीढ़ी गटर के ऊपर है वो क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? कौन सी सीढ़ी? वो जो सीढ़ी जो अभी देख रहे हो आप, ये जो छपरे का जो तोड़े है, वो सीढ़ी क्यों नहीं तोड़े? वो भी तो गटर के ऊपर है। तो मनपा अधिकारी साथ में थे, पूछना पूछने ना पूछने ना, और हम क्यों पूछेंगे, आप भी पूछो ना। हम भी पूछेंगे, आप भी पूछो, चलो पूछते हैं, दोनों लोग मिल के पूछते हैं आज। भेजे ना हमने मीडिया को, पूछो तुम ये चले। ये देखेंगे जो सागर के सामने, जो सागर स्वीट्स है इसके सामने ही यहाँ पर जो बाकड़े थे वो तोड़ा जा रहा है। म्युनिसिपैलिटी गटर के पास में डाला है, नोटिस की कॉपी दिखाने बोलो फिर। देखो तुम सौतेला व्यवहार मत करो राहुल भाई, बराबर नहीं, तोड़ो उसको, ऐसा कैसे तोड़ूंगा मतलब तुम क्या, तुम्हारा जब दिल में है तुम सुनो ना, इतने दिन से हॉकर बैठे तुम उनको नोटिस दे रहे क्या? हॉकरों को तो फिर कैसी बात कर रहे, तुम उसको तोड़ो ना, इसको भी नहीं तोड़ रहे, गरीब के पेड़ को तुम मारे, इनके पेड़ को कौन मारेगा? अरे साहब साहब को फिर साहब के सामने खड़े के बोलेगा, मैं चल के बोलता तुम्हारे साहब के सामने, चलो ना फिर बोलो, उनको नोटिस दे रहे, इनको कौन नोटिस देगा? बिगड़ आके कार्रवाई करे तुम क्या? देखो मेरा बोलना है, कहता है इस्लामुद्दीन भाई आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, ठीक है, वो जो दुकान वाले हैं उनकी प्लास्टिक भार थी, इनने कार्रवाई की है, ठीक है, इनका हक है कार्रवाई करने का। ये सीढ़ी कौन तोड़ेगा दिखाओ ना, ये सीढ़ी म्युनिसिपैलिटी गटर के ऊपर है, देखो ये जो TMC ने गटर बनाई है ना बराबर, ये उसके गटर के ऊपर सीढ़ी है पूरी, ये कौन तोड़ेगा? क्या बोल रहे मनपा अधिकारी? ये बोलते नोटिस दिए, नोटिस दिखाओ उनको, नोटिस दिखाओ ना, अच्छा नोटिस दिए तो फिर कार्रवाई करो, नोटिस काय की होती कि तुम सीढ़ी हटा दो, तो जब नोटिस दिए तुम उसको कार्रवाई करो ना। क्या किया मनपा अधिकारी? अरे यार कार्रवाई चल रही है, ये जो इधर है ना सर मैं आपकी कार्रवाई के बीच में नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं काम के बीच में आऊंगा, मेरा बोलने लगी ये सर हिसाब की बात नहीं है सर, वो म्युनिसिपैलिटी गटर के ऊपर उसका स्टैंड आया पूरा सीढ़ी का, वो क्यों नहीं करेगा कार्रवाई? सब होएगा,
सर नोटिस भी दिए हैं तो नोटिस आपने किस चीज की देंगे कि उसकी क्या सीढ़ी तो हटा दें, अब वो नोटिस के कारण सीढ़ी नहीं हटा तो आप उस पर कार्रवाई करो सर। पिचर साहब इनका कहना है आपने छपरे को तोड़ दिया लेकिन सीढ़ी क्यों नहीं तोड़ी गई, देख लेता हूँ पेपर जो है वो देख लेता हूँ, ये बोल रहे हैं नोटिस दिया था मुझे तो मालूम नहीं, नहीं राहुल ने बोला सर, मैंने नहीं बोला तो ठीक है मैं अधिकारी नहीं, मैं पीछे आया थे राहुल, कल वो देख लेता हूँ ठीक है, ये आपने कल बोला था वो निकल लो सर ये मगर सीढ़ी जो है ना सीढ़ी वो सीढ़ी निकालो सर, वो म्यूनसिपालिटी गटर के ऊपर है वो इल्लीगली छुआ, वो इल्लीगली छुआ। कौन सी सीढ़ी बता रहे हैं ये आगे ये पहले ये ऑलरेडी सुनो आप दिखाए ना चल के कौन ये पूरा निकालो ये पूरा निकालो ये निकाले बड़ा सर पूरा सब एक साथ में आए पहले ये दिखाओ ये पहले ये छपरा देख लो जिस तरीके से पूरा इसको निकाले इन लोग ने, बोले होते हम लोग हटा नहीं होते, अभी आप लोग देख रहे हो सुनो ना अभी आप लोग जिस तरीके से देख रहे हो कि इन्होंने ये जो छपरे हैं इनके इसको भी इन्होंने तालपत्री को पूरा निकाल दिया उनको, ये इनलीगल नजर आया लेकिन आप मेरे ही पीछे देख सकते हो ये सीढ़ी इनलीगल है। अभी जैसा साजिद भाई ने बताया कि हमारे जो TMC की जो गटर बनी हुई है और उसके ऊपर ही सीढ़ी है तो ये लीगल है क्या? अभी एक बोल रहे हैं कि उन्होंने नोटिस दिया है और एक बोल रहे हैं अभी मुझे पता नहीं नोटिस दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन ऐसा जो सौतेला व्यवहार हो रहा है प्लीज ये ना करे तो बेहतर है, कार्रवाई करो आप, कार्रवाई के लिए आपको कोई रोकथाम नहीं है लेकिन आप यहाँ पे खुद ही आप मीडिया दिखा सकती है कि एक तरफ कार्रवाई हो रही है और एक तरफ सीढ़ी को छोड़ दिया जाता है तो ऐसी कार्रवाई अच्छी चीज़ नहीं है, गरीब का दिल दुखता है और अमीर का सब सूखता है वाला हिसाब हो गया है, तो इससे ये पता चल जा रहा है कि गरीबों पर अत्याचार हो रहा है और अमीरों को छोड़ दिया जाता है। आप सीढ़ी दिखाइए ना किसके ऊपर बनी है, गटर है ये गटर है ना किसके ऊपर बनी है, इसमें एक में जो है ना एक में जो है ये जो गटर बनी है ना इसमें से एक में जो पानी निकलने का रास्ता है और एक से जो है केबल गया हुआ है बरा, अभी आप देख ले सीढ़ी का कोना जो वहाँ से सीढ़ी शुरू हुई है ये सीढ़ी यहाँ खत्म हुई, मतलब इसने सपोर्ट जो है म्यूनसिपालिटी गटर को दिया है और हम लोग जो है ना यहाँ के रहवासी आज हम लोग 86 में ना किस्मत कॉलोनी में रहने आए थे, ये रूम था बराबर ये फर्स्ट फ्लोर का रूम था, इस रूम का जो है एंट्रेंस आगे आप गेट से जाओगे इसका एंट्रेंस आगे, अभी ये तोड़ के इसने पीछे एंट्रेंस निकाला है ये पिज्जा हाउस चला रहा है। देखो मेरा कहना कहता है आपके चाप जितने भी आप मेरे भाई लोग खड़े आपके चैनल से माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, देखो हॉकर गरीब ये भी है गुलाब पार्क के भी हॉकर गरीब है तो इन पे जब कार्रवाई हो रही तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, वो क्या लीगल है क्या, वो लीगल है क्या, मैं आपसे पूछता था वो लीगल है क्या भाई, वो भी तो इनलीगल है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। पालू पिक्चर साहब का कहना है साजिद भाई कि उनको नोटिस दी गई लेकिन किस चीज की नोटिस दी गई वो अभी तक, अरे नोटिस दी तो आप लोग क्यों नहीं दिखा रहे, आपने पूछा कि अभी अभी आपके सामने आपके कैमरे में आया कि राहुल ने बोला मैंने इनको नोटिस दिया, उनके AMC क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं मालूम नोटिस दिए, ये तो आपके सामने पिक्चर क्लियर हो रही है ना, ऐसा तो नहीं कि मैं आपको लाके बता रहा हूँ, इनके आपस में ही पदाधिकारी एक बोरे हाँ एक बोरे ना, देखो मतलब सुनो कहना कैसा है ना आप जैसे आसिम ने बोला कि आप कार्रवाई करो आपका हक है, अभी ये इनका ये जो प्लास्टिक तोड़ने का क्या मकसद था, प्लास्टिक तोड़ने का कोई मकसद था क्या, या वो प्लास्टिक के ऊपर धंधा लग रहा था या किसी भाड़ेदारी को उन्होंने भाड़े के लिए दिए थे, मगर आपको तोड़ने का था कि आपके अधिकारी दोपहर में आके जो है दोपहर में आके कम से कम बोलता कि भाई हटा दो तो हम लोग कार्रवाई करते, वो समझ में आता, आप डायरेक्ट आके खींच रहे हो, ये गरीब का छपरे तुमको प्लास्टिक दिख रहे ये अमीर की सीढ़ी नहीं दिख रही आपको, ये इलीगल नहीं क्या, इलीगल है क्या, और कौन सी मार्केट को मैं थाना महानगर पालिका परमिशन देती कोई उनको बोलते हमने नोटर सागर सोलंकी ने उस वक्त उनको लेटर दिया था वो लेटर भी हो गया खत्म डेढ़ महीने का बराबर ना वो लेटर हो गया खत्म, तो वो हॉकर तो लीगल हो गया क्या, तो कल से मैं भी क्या करता हूँ मैं भी जो है ना उनका कहना है कि जब तक हमको हॉकर जोन नहीं मिलेगा हम हटेंगे ही। तो हमें हमारा भी ये कहना मैं इनका प्रेसिडेंट हूँ जमको हमको भी हॉकर जोन नहीं मिलेगा हम भी नहीं हटेंगे आओ कार्रवाई करो फिर नहीं तो जुम्मा के दिन घड़ोगे हम लोग सब मिलकर भीख मांगेंगे तो कार्रवाई तो हो गई दो दिन हो गया अभी अभी देखो कैसा है ना एक सिस्टम से चलेगा इस्लामुद्दीन भाई सिस्टम ऐसा रहेगा कि अभी हमारी कमेटी है उसमें 120 लोग है बराबर अब वो 120 को लेके कल परसों तक मामला सेट नहीं होगा तो जुम्मा के दिन घड़ोगे ना हम लोग सब मैं भी साथ में हम लोग भीख मांगेंगे जो कैसा ना किसका घर कैसा चलता है अल्लाह को मालूम है बराबर।
अभी यहाँ से दो पैसा कमा के घर पे लेके जाते हैं, वो खाना बनता होगा उनके बच्चे खाते हैं। जब ये डेली उनको कार्रवाई करोगे, इनका सामान भी लेके जाओगे, फिर वो सामान का फाइन भी भरोगे, तो इनका घर कैसा चलेगा? तो हमको नहीं मिलेगा आकर सुन हमको भी, तो हमारी मांग ये रहेंगी जुम्मा से हम जो भीख मांगेंगे बराबर, नहीं तो फिर हमको यहाँ बैठने दो। और आपको बिठाना है तो आपके अधिकारी को 3 बार चक्कर मारना पड़ेगा, कोई पीले पट्टे के बाद जा रहा है, आप उसके आगे कार्रवाई करो। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि पीले पट्टे के अंदर जो लगाते हैं उनको भी हटाया गया, लेकिन पीले पट्टे के अंदर वाले जो है वो ज्यादा जगह लिए, अगर उनको बराबर से डिवाइड आप यहाँ से पट्टे के बाहर एडजस्ट हो जाए। हाँ जी, आप जब किस्मत कर लिए शुरू करोगे, ऐसा पैदल बोल रहा हूँ, बाइक वाइक पे नहीं, आप जब पैदल शुरू करोगे ना यहाँ से, जब नशेमन कॉलोनी खत्म होगी ना, आपको नशेमन के भाग दिखेंगे उधर पीले पट्टे पे, बराबर। आपको इधर पीले पट्टे के अंदर कोई ऐसा दिखेगा नहीं, ना बाहर दिखेगा ना, वहाँ पे जब जाओगे ना वहाँ पूरा जो है ना संतुलन खराब है, वहाँ का कौन है क्या है अपने को मालूम नहीं, बराबर। और कौन सी पार्टी का आदमी वहाँ हफ्ता ले रहा है वो आप लोग को मालूम होना चाहिए। ये तो कल मैंने अधिकारी को रणभूमि मैंने बोला था, कुछ हॉकर्स के बारे में कुछ बता रहे थे क्या, नशेमन के हॉकर के आगे जो है ना पीले पट्टे के धंधा लगता है, पीले पट्टे के अंदर लगता है, पीले पट्टे के बाहर दायरा तनवर नगर नाके पे जहाँ पे ट्रैफिक वाले हो गए, तो ये किसका काम है? अभी मैं यूनियन का लीडर हूँ, मैं जाके किसको रोकूंगा? तो फिर वो लफड़ाएगा, मारा मारेंगे, फिर पुलिस चौकेंगे। तो कम से कम तुम जब दो लाइन का बोल रहे हो तो तीसरी लाइन को आप आके रोको ना फिर, बराबर। जैसे आप गुलाब पार्क बोलते दो लाइन लगाओ, उनका भी वहाँ के होकर सोवा कहना है कि हमने लेटर भी दिया गया है, जो पीले पट्टे के बाहर जो धंधा लगा था उन पे कार्रवाई कीजिए भाई, लेकिन उनका उल्टा हो गया कि उन पे ही कार्रवाई हो गई पीले पट्टे के अंदर वालों पर। लेटर इनको दिए, आप बोलते लेटर आप लोग को दिखा क्यों नहीं रहे? कार्रवाई की मांग की, जो कार्रवाई की मांग की वहाँ के अभी किसकी कंप्लेंट आपको मालूम है क्या? आपको मालूम, आपको भी मालूम, पूरे मुमरा को मालूम है किसकी कंप्लेंट पे हो रही है। तो मैं मगर ये बोलना चाह रहा हूँ, कंप्लेंट किसकी भी हो, शहर में कोई भी हो, आज हमारे मुमरा शहर के अंदर हॉकर जून क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों लॉलीपॉप दे रहे? आप इस पे बोलिए ना, 2016 में जब मैं नगर सेवक था, जब मैंने मांग किया तो मेरे पार्टी के लोग ने रोके, बराबर, वो काम मुझे करने दिए नहीं। मगर अभी मैं क्या हो रहा हूँ, यतिमु की तरह इनकी जिंदगी चल रही, तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ये कब तक चलेगा, ये कब तक चलेगा? आज कलवा में हॉकर जून लीगल है, थाना में है, हमारे से सौतेला व्यवहार क्यों, हमारे क्यों नहीं दिया रहा है? जब 18 नगर से वो NCP के है, वो जफर नुमानी साहब यहाँ कल से घूम रहे, तो इनने 5 साल जब महासभा बैठी, इनने मुद्दा क्यों नहीं उठाए, इनने हाउस के अंदर क्यों नहीं रखे कि हमको लीगल जो है लीगल हॉकर जून दो? जब अभी कल से बार घूम रहे, फेसबुक लाइव आ रहे, और वो मैडम की लड़की भी आ रही, तो कल इनने क्यों ना, इनकी अम्मी और उनके जफर नुमानी साहब ने हाउस के अंदर आवाज उठा के क्यों नहीं बोले हमको लीगल हॉकर जून दो, हमें मुमरा कुछ ये क्यों नहीं बोलते लोग, इनको क्यों जिताते फिर, जब इनको बोलने की ताकत नहीं, तो नहीं जिताने का ना फिर, जब तुम आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकते तो फिर तुम क्यों जिता के करेंगे क्या आवाम भी? तुम टोरन का मसला हल नहीं कर पा रहे हो, तुम हॉकर जून नहीं दे पा रहे हो, तुम्हारे लोग ही कब्रस्तान मिट्टी चुरा रहे हैं, और कौन है? सब तो घपला इनके पास ही है, घपला कर कौन रहा है? तो ऐसे लोग को भी चुनने का क्यों, चुनने का क्यों ऐसे लोग को भाई? जब आवाम के लिए वार्ड के लिए जब कुछ नहीं करेंगे तो मैं ऐसे लोग को क्यों चुनूं फिर? हॉकर जोन देने का वादा किया गया, वादा तो वादा भाई सुनो, मैं आप भाई आपका नाम क्या मुझे नहीं मालूम, मगर मगर आप भाई हो आरिफ भाई, मैं ये बोलना चाहता हूँ, आज आप भी इधर रहते, मैं भी रहते, जितने खड़े सब यहाँ रहते, कितना लॉलीपॉप मिला, कितना चूसरे मुमरा ले, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये माइक आपको देता हूँ, अब मैं कैमरा आपको पकड़ता हूँ, यहाँ के हमसे पुराने रहवासी हो, नहीं तो मैं पूछा, अभी आपने बोला हॉकर जून मिलेगा, कब मिलेगा? वो आश्वासन देते हैं, कब मिल रहा है? आश्वासन नहीं चाहिए भाई, अब पब्लिक थक गई है, आप हम लोग को लीगल हॉकर जून चाहिए। ये जो मांगे हैं आपके हॉकर जोन को लेकर, उसको लेकर आप क्या करोगे? मैं उतरेगा, आप लोग उतरेंगे पूरा रोड पे, देखो आप आपके देखो आपको खुद को हम बुलाएंगे, हम रोड पे उतरे, उतरना ही पड़ेगा भाई, नहीं तो कुछ नहीं होगा मुमरा का, जुम्मा को इंशाल्लाह उतरेंगे हम लोग, क्या करेंगे, भीख मांगेंगे हम लोग, जब हमारे घर में चलेगा चूल्हा नहीं चलेगा, बच्चे खाएंगे नहीं तो करेंगे क्या फिर, जुम्मा की खड़ो के हम लोग सब हॉकर लोग मिलकर भीख मांगेंगे जो फिर गुलाब का कुछ है। ये जुम्मा के दिन यानी कि जुम्मा के दिन माना जाए कि साजिद भाई सड़क पर उतरेंगे हॉकर के समर्थन में, और इनका प्लान है कि भीख मांगा जाएगा, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या जुमा तक मार्केट लगेगी या फिर साजिद अंसारी ये रोड पर उतरेंगे।